अरे घास पे हम कैसे बैठे, सारा तो पानी लगा हुआ है। चलो हायदा पे हम वहां बैठ के खाते हैं। ठीक है, आ जाओ। हायदा पे ये बताए ईद कैसे गुजरी, और हमने भी बहुत एंजॉय किया था। अच्छा हायदा पे सारा पारी बिस्कुट छुपाए, बिस्कुट छुपाऊं क्यों? छुपाए ना। अच्छा छुपा लेते हैं। अच्छा मैं इतनी दूर से साइकिल चला के आई, मैं समझी आप लोग चीज लेके आए होगे। आप लोग कोई चीज नहीं लाए? ठीक है जाओ अब ना आना। मायदा ये क्या किया उसने, चीज का पूछा था तो बताती ना। हायदा पे आपको नहीं पता वो घर में क्या करती है, वो भी ऐसी करती है मेरे साथ। हायदा तुमने ये क्यों किया, एक चीज के खातिर तुमने झूठ बोल दिया अपनी छोटी बहन से। हायदा पे उसको बहुत समझाया मगर वो नहीं समझती। उफ़ल्ला मायदा मैं सोच रही थी आप लोग काफी देर से बैठे हुए हो, इसलिए मैं आप लोग के लिए चीज ले आई। नहीं जैना मायदा ठीक कह रही है, हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, आप खा लो ये। हायदा पी न्यू ओरियो का टेस्ट ही अलग है, बड़ा मजे का है। सही कह रही हो, मैंने भी कल ही खाए थे, मुझे बहुत मजे के लगे थे। फिर से खाए ना? हाँ मैं खा रही हूँ, आ जाओ। अरे घास पे हम कैसे बैठे, सारा तो पानी लगा हुआ है। हायदा पे हम वहाँ बैठ के खाते हैं। चलो ठीक है आ जाओ। चले हायदा पी दे बैठ के खाते हैं। ठीक है, अरे मजा आ जाएगा। बहुत जिमी है ना। हायदा पे ये बताए ईद कैसे गुजरी। ईद ईद तो बहुत जबरदस्त गुजरी, ऊपर से तुम्हें क्या बताऊं, हमने क्या एंजॉय किया था, बहुत मजा आया था मैं अपनी ईद। और हमने भी बहुत एंजॉय किया था। अच्छा हायदा पे सारा पारी बिस्कुट छुपाए, बिस्कुट छुपाऊं क्यों? छुपाए ना। अच्छा छुपा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हायदा पे, मायदा पे क्या कर रही हैं आप? क्यों क्या हुआ, हम तो यहाँ वैसे ही बैठे हुए। अच्छा मैं इतनी दूर से साइकिल चला के आई, मैं समझी आप लोग चीज लेके आए होगे। आप लोग कोई चीज नहीं लाए? नहीं नहीं हमारे पास कोई चीज वगैरह नहीं है। क्यों हायदा पे? चलो कोई बात नहीं मायदा पे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है जाओ अब ना आना। मायदा ये क्या किया उसने, चीज का पूछा था तो बताती ना। हायदा पे आप छोरे इस बात को, बिस्कुट खाए। मायदा तुमने ये क्यों किया, एक चीज के खातिर तुमने झूठ बोल दिया अपनी छोटी बहन से। हायदा पे आपको नहीं पता वो घर में क्या करती है, वो भी ऐसी करती है मेरे साथ। ओ भाई वो छोटी है, जैसे वो करेगी वैसे ही तुम करोगी, तुम उसे समझा सकती हो, तुम्हारी छोटी बहन है। हायदा पे उसको बहुत समझाया मगर वो नहीं समझती। उफ़ल्ला मायदा ठीक है, तुम चीज मत दो से लेकिन झूठ तो मत बोलो ना। उसे को मेरे पास अपने लिए खाने के लिए, तुम जाके अपने लिए ले आओ, ऐसे तो ना कहो कि हम तो कुछ नहीं खा रहे। अच्छा हायदा पे आइंदा झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे भी झूठ बुलवा के और ऊपर से गुनाहगार बना दिए। चलो मैं अपनी बहनों के लिए बिस्किट लेती हूँ, वो खुश हो जाएंगी। चलो अब मेरी बहनें खुश हो जाएंगी। खत्म हो गए। मायदा ये क्या तरीका है, तुम्हें रोड अच्छा नहीं लग रहा। हायदा पी मायदा पी देखे आप लोग चीज नहीं लाए थे ना, मैं लाई हूँ। ये मायदा पी आपकी चीज, और हायदा पी ये आपकी चीज। थैंक यू जैनब। वेलकम। जैनब आप क्यों लेके आई हो? मैं सोच रही थी आप लोग काफी देर से बैठे हुए हो, इसलिए मैं आप लोग के लिए चीज ले आई। अच्छा थैंक यू। कोई बात नहीं हायदा पी। जैनब तुम अपने लिए नहीं लेके आई चीज, तुम्हारे हाथ खाली नजर आ रहे हैं। वो मायदा पी पैसे नहीं बचे थे, मैंने सोचा मैं आप दोनों के लिए ले लेती हूँ, मैं रात को पापा आएंगे तो मैं उनसे ले लूंगी पैसे। फिर ये ले लो ना मुझसे चीज। नहीं मायदा पी आप खाए, आप खाए। नहीं जैनब मायदा ठीक कह रही है, हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, आप खा लो ये। अच्छा आप दोनों शेयर कर लेंगे, पक्का? पक्का। ठीक है फिर मैं ले रही हूँ। ये हुई ना बात। चले ठीक है अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मायदा जैसे तुमने मुझे जैनब के बारे में बताया था वैसी तो मुझे नजर नहीं आई। हायदा पे मैं सही कह रही हूँ, घर पे ऐसी ही होती है। मायदा वैसे तो मुझे उसके अंदर कोई ऐसी बात नजर नहीं आई, देखा नहीं कितने अच्छी तरीके से बात कर रही थी, और ऊपर से हमारे लिए चीज भी लेके आई है। हायदा पे मालूम नहीं चांद कहाँ से निकल आया जो वो चीज ले आई है। मायदा जो भी बात है चाहे वो जैसी मर्जी है, लेकिन तुम बड़ी हो, तुम उसे समझा सकती हो। आओ उठो अब घर चले। चले घर जाके उसको सॉरी लाजम बोलना।